अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का जो है हमारा प्लान एक और ट्रिप का है, वन डे ट्रिप है। हम लोग रात को हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया है। इस टाइम सुबह के बज रहे हैं 5 और हम लोग हैं इस टाइम जज्बा के पास और प्लान है केवल आज जाने का। फैसल भाई, मुर्तज़ा भाई हैं, ये हैं खुशहाल भाई, अली भाई, मैं हूँ दानियल वहीद फ्रॉम एच के प्रोडक्शन। ये राकी भाई है, राकी भाई। ये जुबैर भाई हैं जिनको नींद आई हुई है बात। हाँ लुई भाई, क्या देख रहे हैं आप? कर रहा आपके साथ। अभी हमने नमाज पढ़ी और अब हम आगे निकलेंगे। हमारा प्लान था कि हम लोग जल्दी पहुँच जाएँ उधर, रात को 2-3 बजे पहुँच जाएँ, लेकिन घर से निकले ही 1 o'clock के बाद हैं और अब ऑलमोस्ट फजर हमने पढ़ लिया, रोशनी होना शुरू हो गई है। अभी नहीं आगे देख सकते हैं हम लोग, सुबह होना शुरू हो गई है और यहाँ पे मौसम मस्कत से बहुत ही बेहतर मौसम है यहाँ पे। भाई मुझे भी ले जाओ। क्या किस तरह बैठना है, मैं उसमें हूँ। हाँ वहाँ से निकल के अभी हम लोग एक टी स्टॉप कर रहे हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। क्या हुआ, एक लाइट नहीं चल रही? लग रहा था ना, देख कि आपका सही में बैलेंस खराब है क्या? हसन भाई उतर जाए यार, एक साइड गाड़ी बैठ गई है, उतर। दोबारा आज ट्रिप पे आए हैं तो आज तूने चीट करना है या नहीं? आज भी डाइट करेगा? नहीं यार, चीट करना यार। ये तू खा रहा है मीठा या नहीं? हाँ। ये भाई मीठा नहीं खाते 2 साल से। हाँ अभी चालू है। क्या है इधर? फाइनली हेमंत यहाँ से लिए सैंडविच क्रोसेंट। और हमारा सनराइज यहाँ पे हो रहा है। पैन तो तुम लोगों ने लाना था, तुम दोनों ने ग्रुप में बताया था पैन। हाँ उसके बाद भी मैसेज किया था, नहीं उसके बाद भी मैसेज किया था। हाँ अली भाई ने मैसेज किया था। मोदी भाई ये सुबह नाश्ते के लिए पैन ही नहीं लेकर आया था, अभी समझ नहीं आ रही क्या करें, सब मार्केट्स भी बंद हैं अभी तो। हाँ जी यहाँ पे चाय भी दिल्ली में सुबह यहाँ ही हो गई हमारी। ये देखिए सनराइज हमने वहाँ पे देखना था, लेकिन सनराइज ऑलमोस्ट यहाँ ही हो गया है हमारा। चले कोई नहीं, अब लेट ही निकलेंगे थोड़ा। टेस्ट कैसा है? रिव्यू दे भाई। बहुत अच्छा है। मेरा मुंह नहीं पूरा आ रहा यार कैमरे में। बोया क्या है? बाकी मुंह नहीं पूरा आ रहा था। हाँ कैसा था सैंडविच? इसके प्रोडक्शंस। हाँ? 5/10 out of 5। ओके। एक ही रास्ता बोल रहा था, बोला ये रास्ते के साइनबोर्ड ने हमको उनके एक पत्ता लेके चलने को। ये डालता हूँ वीडियो में। रिकॉर्ड हो गया? अभी बल्दिया में जाएगा ये बंदा है पकड़े से।
हमें पता है अबे नहीं मालूम कौन सा यहां से लेके रिजॉर्ट तक अली भाई वो वाला फोटो नहीं आता वो गाड़ी रफा के ऊपर पता चला फिर मैं रफा के ऊपर खड़ा हुआ पुलिस स्टेशन के सामने हाँ भाई पैन किधर से लाए आप पैन अभी हम जाएंगे कराची हाँ फिर उधर से जाएंगे लाहौर फिर उधर से जाएंगे क्या दिखा रहे हो दिखाओ सीन ये है कि हमारे पास पैन नहीं है और अब हम पैन के लिए कर रहे हैं फौरी मार्केट खुली है 8 बजे और हमने सारी बनाने की चीज़ें अपनी ली दी सामने मार्केट है लेकिन ये भी बंद है एक ये मार्केट है ये भी बंद है तो अभी सब सोच रहे हैं कि पैन किधर से लाएं सात बजे तो लेट हो जाएगा यार हमें अभी मार्केट खुलेगी 7 बजे और 7 बजे बहुत लेट हो जाएगा हम अपने सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं ये इलाका विलायत ऑफ अलहमरा में आता है और ओमान के सबसे ऊंचे पहाड़ भी इसी रीजन में आते हैं जिसे अलहाजर रीजन कहते हैं जबल हाथ का शुमार ओमान के सबसे ठंडे इलाकों में होता है जहां सर्दियों में दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है अलहाजर रीजन के सबसे मशहूर पहाड़ों में से एक पहाड़ जबल हाथ है इसके अलावा जबल अख्तर और जबल शम्स भी हैं जबल अख्तर जाने के लिए आपको 4-व्हील गाड़ी की ज़रूरत होती है जबकि जबल शम्स और जबल हाथ आप किसी भी गाड़ी पर जा सकते हैं इस इलाके में आने के लिए सबसे अच्छा वक्त रात का होता है क्योंकि यहाँ पर लोग मौसम इंजॉय करने आते हैं और मौसम रात के वक्त ही ठंडा रहता है यहाँ पर जो सनराइज़ है वो बहुत ही खूबसूरत होता है लेकिन हम लोग बहुत लेट हो चुके थे सनराइज़ हो चुका है कब का अभी हम लोग यहाँ पे इसी एरिया में कोई स्पॉट देखेंगे जहाँ पे हम लोग बैठ सकें आराम से और नाश्ता बनाएं मौसम बहुत ही अच्छा है यहाँ पे काफ़ी ठंडा है हवा भी बहुत साला मैं इस पर चाइनीज का कोई डॉन क्यों लग रहा हूँ नेपाली
गाड़ी की चाबी मेरे पास रह गई है और गाड़ी हमने ऊपर लेकर आनी है दोनों, थोड़ी और ऊपर ला के इधर पार्क करेंगे। फाइनली एक स्पॉट मिला है, ये देखें अभी इधर कुछ खाने के लिए नाश्ते के लिए सब सेटअप हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पैन लाए नहीं, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कोई जुगाड़ लगाने की जिसके ऊपर हम लोग अपना नाश्ता बना सकें। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो ये टाइल पे करेंगे हम लोग। ह्यूमन टच वाला गरम नहीं चाहिए अपने को, गरम है, गरम है, गरम है, बोलो गरम है, लाओ लाओ अंडा लाओ। लेकिन सुनो सुनो, इसको थोड़ा सा बॉईल होने दो। हां दो, ऑयल थोड़ा सा ऑयल बॉईल होने दो, फिर जल्दी पकेगा। नो नो, इट वोंट, नहीं जलेगा, इतना जल्दी नहीं जलेगा। इट्स गॉट हीट, टच इट एंड सी। क्या 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 हां हीट हो गया भाई। अरे लाओ यार, ये डालो अंदर डालो। नहीं इसको भी तोड़ो, एक और पूछ दो, एक पकड़ो, रुक रुक मारना इधर ला, दे दे दे। अभी अगर फैल रहा है चमची से जुड़े जल्दी आ, बंद कर दिया वाह, बट गरम हो रहा था, क्रैक हो जाता है यार, तो यार पड़ेगा आपको। था हो ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया यार। क्या किया राखे भैया आपने, क्या किया आपने, हाँ चूल्हा फट गया। इतना सारा मैकेनिकल इंजीनियर साहब इंजीनियर मिल के भी नहीं हुआ यार, वो फाइल ही ले लेते हैं वैसे, उसको धो लेते अच्छे से। जा लेकर आ, लेकर आ। टाइल एक्सपेरिमेंट फेल, अभी पत्थर एक्सपेरिमेंट करेंगे स्टोन पे, क्योंकि मैं से दिन भाई ने शॉपिंग की थी, वो भाई जो हैं पैन लेना भूल गए। ले आ ले आ, एक साइड अगर पत्थर रखते लाइक फ्लैट फ्लैट देखा, इसको धो लो, क्या देखा मस्त है ये। अभी ये अहमद एक पत्थर लेकर आया है, अभी इसको धो के इस पर ट्राई करेंगे कि कैसा जाता है ये एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नंबर टू, फिर देखते हैं क्या होता है इधर। नहीं नहीं मिल गया खुशहाल को, मिल गया उधर से पैन मिला, पैन अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ बड़ा वाला तो
दिखा 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 ये हो जाएगा बिल्कुल साफ। अंडा मिक्स मत करो यार, एक ही ऑलरेडी गए, निकाल दो पत्थर। ऑयल इज बॉइलिंग ब्रो। स्क्रैम्बल मतलब क्या? बस 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 फूड एंड रोट टुकड़ा टाइप ना, बुटी टाइप दिस नारा, फुल फुल एक प्लेट टाइप, चपाती टाइप। गिव मी अ स्पून, गिव मी दैट ब्रोकन स्पून। हां ओके, रुको रुको रुको। No, 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 no. Bro, give that spoon, no? This, this. ये ना ना ये अटक जाएगा। ये भी डाल दो? अरे एक अंडे एक्सपीरियंस नहीं है इनका वैसे, मुझे कोई चम्मच भी हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। नाउ नाउ बोले अंडा ही हो गया, कच्चा बनाया था। नहीं 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 पूरा पड़ गया, मुश्किल नहीं होगा वो। अच्छा और कच्चा है वो भाई, ये तो ब्राउन हो जाता है, वो ब्राउन होना चाहिए। नहीं 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 सही है, लेकिन मेरे साइड अभी भी। अबे एक काम कर, रुक जा रुक जा रुक जा। कुशाल पता नहीं किधर चला गया, कुशाल को ढूंढने जा रहा हूँ। ये भाई किस तरफ गया हुआ है, हसन भाग इसकी तरह, भाग भाग भाग। एक कुशाल इधर आने, इधर आना, उसको करने दे उसको। मेला में अच्छे
वीडियो में आया सामने मुश्किल तू डाल डाल इनको नहीं इधर चाय में हसन से दूध ले लेते ना अगर कम होता है अबे पीले भाई दूध मस्त है दूध पीले दूध पीले पी बे हसन तेरा दूध दे भाई ये दोरा टूट गया लेकिन ऐसे सही है टेस्ट क्या रिव्यू है भाई अच्छा कैसा है चाय सही है मेरे और आपके हाँ वो तो अच्छा रहेगा ना वो बाद में बताएंगे जब सब पी लेंगे ना एक भी नहीं नहीं एक भी नहीं एक भी नहीं ये चाय पी के सब इधर चार्ज हो गए और अभी बस पत्थर मार रहे सामने दूसरा बड़ा पत्थर रख के अभी हम लोग जबल हाथ से निकल आए हैं और हमारा नेक्स्ट स्टॉप है बगान विलेज बगान विलेज आप दो रास्तों से जा सकते हैं जबल हाथ से अगर आप लोग बगान विलेज जो नॉर्मल रास्ता है उससे जाएंगे तो वो 230 समथिंग किलोमीटर्स का रास्ता है और दूसरा रास्ता वो है जिस पे हम जा रहे हैं ये एक लिंक रोड है जो दो गवर्नेट्स को आपस में कनेक्ट करती है अदाखलिया गवर्नेट को साउथ बातिना गवर्नेट से कनेक्ट करती है और ये ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर का पैच है जिसमें आप सिर्फ फोर व्हील गाड़ी पर जा सकते हैं तो आज हमने ये रास्ता चूज़ किया है बगान विलेज जाने के लिए हमारे जो दूसरे दोस्त थे वो दूसरी गाड़ी पे काफ़ी आगे निकल गए क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा बीच में ब्रेक भी लगाई थी और हम लोग बहुत आराम आराम से जा रहे हैं ये रास्ता बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि अगर आप डेली गाड़ी पर इस रास्ते से ट्रैवल करना चाहते हैं क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कुछ टायर को या गाड़ी को कुछ भी होता है तो यहाँ पे कोई गांव कुछ आसपास एक्सेसिबल नहीं है इसलिए हमेशा आप लोगों को ग्रुप में ट्रैवल करना चाहिए तो अभी हम लोग देख रहे हैं उन लोगों को वो लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं क्या हुआ ये क्या हुआ किधर के ये लोग थे नीचे पक्की बात है या नहीं थे ऊपर से मस्जिद की तरफ देख रहा था ना सामने मस्जिद तो नीचे है ना अबे इधर नहीं है वो लोग चले गए देखा था ना उनकी गाड़ी अबे चले बीच बीच में टायर स्लिप हो रहा था क्या हालत होगी जी बाप को कैसा लगा ये रोड भाई रिस्की यार क्या एक्सपीरियंस है ब्रो आ राके ब्रो हाउ वाज द रोलर कोस्टर चेक कर पीछे से तो मस्त भाई पॉलिश मेरी रंग लाई भाई तूने कलर चेंज करा लिया दोपहर हाँ मेरी पॉलिश मस्त कैमोफ्लाज आर्मी आर्मी कलर है अभी इधर हम रुके हैं रास्ते में मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आपको दिखाते हैं कैसी
आगे आगे वजू करके ओमान की सबसे अच्छी बात ये है कि रोड बेशक सुनसान हो लेकिन थोड़े थोड़े टाइम बाद यहाँ पे मस्जिद बनाई भी होती है इन्होंने, और ये भी एक बड़ी प्यारी छोटी सी मस्जिद है। यहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी और फिर हम लोग आगे के लिए अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। बड़ी पुरानी मस्जिद है ये, काफ़ी खूबसूरत है। ज़बरदस्त पहाड़ है सामने, दो पहाड़ बीच में रास्ता है जाने का। पानी तो दिख नहीं रहा दूर दूर तक, देखो मेरे फोटो ले लो। अबे काम का इधर से ऐसे निकल के ले ऊपर से रूफ में तो आएगा तेरे को फुल टॉप व्यू आएगा। संभल के कपड़े वपड़े खराब करेगा। कपड़े तो भाई जो खराब होने पे हो गए वो तो है, वो भी है। तो ऊपर से आए हम लोग, अबे वो लास्ट पे वो टॉप से ये कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने देखा। अबे लेकिन यानी हम लोग ये नहीं दिखा ना, ये नहीं नजर आया लिया। अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं एक विलेज में, और ये यहाँ पहाड़ों के बीच में एक गांव बना हुआ है जिसका नाम है बिलाद सईद, और यहाँ के लोकल जो हैं वो यहाँ पे ही फार्मिंग वगैरह करते हैं। और दूसरा इस गांव में सिर्फ आप लोग फोर व्हील से ही जा सकते हैं, और यहाँ पे सब लोगों ने फोर व्हील ही रखी हुई है। और बड़ा ही अच्छा छोटा सा एक गाँव बनाया हुआ है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं आप, आपने कुछ कहा? मैं बोलता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई साहब ने हमारे भाई साहब बोले ये ऐसे जाहिल आदमी है, बेशरम है, इनकी शादी हो चुकी है, अभी एक बच्चे के इंशाल्लाह बाप बन जाएंगे तो भी बोले वो लड़कियों ने अंदर कुछ बोले जो अंदर लड़की है कुछ पहना नहीं है। उसने नहीं पहना होता तो इसे गलत किया है। आपका नजरिया गलत था भाई, नजर गलत है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया यार। उसकी जिंदगी है, वो ना पहने, आप क्यों देख रहे हैं, ना देखे आप। ये रास्ता अराउंड 55 किलोमीटर्स का था और हमें उस पर 2 घंटे लग गए, लेकिन फाइनली अब हमें रोड मिल गई है और अब हम लोग जा रहे हैं बफान विलेज की तरफ। फाइनली वकान विलेज पहुंच गए, अच्छी जगह है काफी, व्यू चेक
क्या हालात है भाई? हाँ समझे। वो आखिरी ऊपर तक सुनने में आया ना, कोई बोल रहा है? कोई बोल रहा भाई, क्या करें खुशहाल। और बस छोड़ो, आज की रात इधर बिताएंगे हम लोग। हाँ जगह लगता है सर। देखो वकान विलेज से आप जबल अकबर भी जा सकते हैं, लेकिन वो ट्रैक तकरीबन 3 घंटे का है। अभी हम बगान विलेज से स्टेज से ऊपर आए हैं, वो सामने उधर नीचे से, और ये जो एरिया है जबल अख्तर में आता है, यहाँ से ऊपर जबल अख्तर है। फाइनली हमारा ट्रिप जो है वापसी की तरफ हम लोग निकले, और सबकी हालत टाइट है, कल रात से जाग रहे हैं सब, कल रात से नहीं बल्कि परसों से जाग रहे हैं सब। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म, मिलते हैं किसी नए सफर किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।